भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। आगरा यमुना ब्रिज जवाहर पुल के समीप बन रहा ओवरब्रिज बनने से पहले ही धराशायी हो गया। गनीमत माने जा रहे हैं कि किसी की जान नहीं गई। निर्माणाधीन पुल की स्लैड गिरने से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लापरवाही सामने आई है। निर्माणाधीन पुल गिरने से यातायात अस्त व्यस्त हो गया है। जवाहर ब्रिज पर वन वे कर दिया गया है, जिससे अपनी मंजिल पर पहुंचने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस तैनात है। पुलिस कोई अन्य घटना ना हो इसका ध्यान रखते हुए यातायात को व्यवस्थित करने में लगी हुई है। यह जानकारी मिली है कि सीएनजी की पाइपलाइन गाटरों के गिरने से दब गई है और सीएनजी की आपूर्ति बंद कर दी गई है, जिसका सीधा प्रभाव ऑटो चालकों के साथ समस्त वाहन चालकों पर दिखाई दे रहा है। इससे सर एक तो गैस बंद है कल शाम से ही। कौन सी गैस बंद है? सीएनजी गैस बंद है। अच्छा। पूरे आगरा में सीएनजी गैस कल शाम से बंद है और हम लोग ऑटो चलाते हैं। हमने पेट्रोल से किया है ऑटो, उसमें पेट्रोल से एवरेज दे रहा है 7 का 8 का, तो सर इसमें एवरेज नहीं आ पा रहा है। भगवान टाकिज के हम 20 रुपये सवारी ले रहे हैं, 4 या 5 सवारी बैठ पाती है केवल, मुश्किल से। ये सारी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो क्या संभावना है, कुछ पता चला है कब से ये? सर अभी तो यही, हमने सुबह पेपर में भी पढ़ा था तो वहाँ भी यही कह रहे थे कि सुबह तक सही हो जाएगा। सर अभी तक तो हुआ नहीं। सीएनजी से अभी हम लौट के आए हैं, वहाँ पे भी यही कहा है कि कल शाम तक बलून पूरा सेट हो पाएगा, अभी तो हो नहीं पाएगा। तो ये पुल गिरा है, उसे सीएनजी का क्या मतलब है? और ये लोग बता रहे हैं कि सीएनजी का पाइप इधर से ही गया है, ये फिल्टर वाले बता रहे हैं, इसलिए उसने बंद कर दिया गया। हाँ, इसीलिए दिल्ली से इनकी सप्लाई बंद की गई है आगरा की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अभी तक राहत कार्य में तेजी दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह राहत कार्य में काम कराया गया तो आगरा की जनता को यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 7A न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।